अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे YouTube चैनल टूरिज्म जी के वीडियो भाई सलीम। तो भाइयों, यहाँ जुगाड़ हो चुकी है देसी भरते की। जी हाँ, तो ये देखिए, ये आ चुका है बैगन बढ़िया से, और आलू इसके अंदर डल चुके हैं, टमाटर भी लाया जा चुका है, सब कुछ सेका जाएगा बढ़िया तरीके से और उसका बनेगा देसी भरता, मतलब बैगन का और आलू का और टमाटर का देसी भरता। तो भाई लोग, ये सीख चुके हैं आलू बढ़िया से, अभी दो तीन आलू और दिख रहे हैं। ये भी आलू है क्या? ये आलू है क्या? तो ये आलू सीख चुके हैं अभी। तो भाइयों, अगला नंबर है टमाटर का। देखिए, हमने यहाँ पे टमाटर रख दिए हैं और इनको अभी सेका जा रहा है। टमाटर को बढ़िया से एकदम, आग बढ़िया लगी हुई है, कोयले बन चुके हैं, अंगारे बहुत अच्छे हैं। तो भाई लोग, टाइम है अभी चमटे को छोड़ दो, ये है बैगन रखने का, बैगन रखे जा रहे हैं अभी। भाई लोग, बहुत ही प्योर देसी खाना बन रहा है यहाँ पर। और ये रख दिया हमने यहाँ पर बैगन, बड़े बैगन है बढ़िया शानदार, और बढ़िया तरीके से इनको सेका जाएगा, उसके बाद इनका बनाया जाएगा भरता। ये हमारी वेदा, वेदा तो ठीक है, हाँ ठीक है, हेल्दी रहती है हमेशा। डिसाइड ये था कि कुछ भी तलेंगे नहीं, तो ये देखिए हरी मिर्चे को भी हमने सेका है यहाँ पर। ये देखो, हरे मिर्चे निकाले जा रहे हैं, ये हैं हरे मिर्चे सिके हुए आग में। और ये बैगन के अंदर भी हमने लहसुन डाल दिए थे, क्योंकि छोटा लहसुन होता है मिस हो जाएगा, इसलिए बैगन के अंदर ही हमने लहसुन रखे थे ताकि लहसुन मिस ना हो। ये देखिए लहसुन, भुना हुआ लहसुन, सारी भुनी हुई चीज़ों को अच्छी तरीके से मैश किया जाएगा। ये देखिए भुना हुआ बैगन निकला है, बहुत ही शानदार, उफ बहुत ही अच्छा बैगन भुन चुका है यहाँ पर। ओहो क्या बात है, आ जाओ भाई, आ जाओ, जिसको खाना है आ जाओ, बिल्कुल यहाँ पे स्वागत है बड़वा में। और ये अभी हल्का सा तेल डाल दिया है इसमें, अब ये डाले जा रहे हैं इसमें स्पाइसेस, लाल मिर्च डाल दी गई है, थोड़ा सा नमक डाल दिया गया है इसमें, और अच्छी तरीके से मैश किया जाएगा इसको। और ये जो काला नमक होता है, सेंधा नमक बोलते हैं, ये वो नमक मिलाया जा रहा है, और ये पूरी तरीके से इसको मिलाया जा रहा है अच्छी तरीके से, पूरा मैश किया जा रहा है ताकि खाने का स्वाद बहुत अच्छा है भरता। और ये है प्याज, अलग ही मजा आने वाला है भाई इस भरते का, इस भरते का तो स्वाद ही अलग होने वाला है, क्या बात है। ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से मैश किया जा रहा है इसको, बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाया जा रहा है। तो भाई लोग, बैगन का भरता बनके तैयार हो चुका है, और ये है वो चीज इसको बना रहे शाम से। तो अब इसको मैं जा रहा हूँ टेस्ट करने के लिए, देखता हूँ कैसा बना है, और अच्छा ही बना होगा, सबने बहुत मेहनत की है लकड़ी में कटी। हाँ, जिन्होंने भी मेहनत की है, जिन्होंने भी मेहनत की है। ये है काफी गर्म है, भाई मिस कर दिया, जो यहाँ पे नहीं है ना, मिस कर दिया उसने, ये मतलब वाकई आग में जो भूना है ना, वाकई बेहतरीन। अब चलते इसको घर में खाते हैं एकदम रोटी के साथ। तो ये है वो भरता बनके तैयार। ओहो हो क्या बात है, मजा आ गया आज तो भाई। जिसने खाना है भाई आ जाओ, बाद में नहीं बोलना भाई हमने बुलाया नहीं, हमने पूछा नहीं। बहुत ही शानदार इसका टेस्ट बना है, बहुत ही मजा आने वाला है इसको खाने में। ये है वो बैगन, टमाटर और आलू का भरता। भाई लोग, दस्तर खान या टेबल जो भी बोलिए उसमें आ चुके हैं, और अब इसको मजा आ रहा हूँ ट्राई करने। लाला जी, मैंने नीचे ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा था, इसको रोटी के साथ में खाते देखते हैं कैसा बना है। खाना भी डाला नहीं, माइंड ब्लोइंग भाई, बाकी जो जैसा मैं सोच रहा था ना वैसे ही बना है। मतलब बांदा में रेलवे स्टेशन के बाहर में मैंने एक बार खाया था आग में सेका हुआ भरता, और आज हमने बनाया नीचे, टमाटर सेका गया, बैगन सेके गए, आलू सेके गए, हरे मिर्च सेके गए, और लहसुन को भी सेका गया बैगन में अंदर डाल के, क्योंकि ऐसे अगर खुली आग में फेंके तो बैगन लहसुन पूरे जल जाते।
हर चीज का ट्रिप, और इसमें तो कोयले की स्मेल आ रही है, कोयले की महक आ रही है, आपकी जो महक एप्लीकेशन जो बनी हुई है वाकई। तो दोस्तों आज ये बैगन का भरता हमने बना हुआ, बैगन का भरता इसको बनाया हमने, मैंने लावा बनाया। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोबारा, देखते हैं अगली वीडियो का कंटेंट क्या रहेगा, क्या किस टॉपिक पर रहेगी, देखते हैं लोग। आई होप कि वो भी अच्छी ही बने, ये वीडियो भी इंशाल्लाह भी खुशी रहेगी, अच्छी बने। तो वीडियो ज़्यादातर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको पता लगे कैसा लग रहा है। और मेरी सभी वीडियो में कहा था इस वीडियो में अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बना के रखें, और अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।